हेलो व्यूअर्स, जिंदगी का साउंड ट्रैक आपके साथ दोबारा शेयर कर रहे हैं गुरमेहर कौर और मैं। और पिछले संडे आपने देखा होगा हमने गीत चुना और सजाद अली साहब का गीत था, एक बहुत मशहूर गाना। उसके ऊपर हमने बात भी की गुरमेहर की, अपने आवाज में उसकी एक कंडीशन भी सुनी। और आज गुरमेहर ने एक और गीत का इंतखाब किया, वैसे वो चूज तो खुद कर लेती हैं, बाद में मुझे उसके गीत के भागना पड़ता है, लेकिन ये मुझे भी बहुत पसंद है। यस बॉस का एक गाना है, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, गुरमेहर से कहूंगा। गुरमेहर आप इंट्रोड्यूस करें गाने को जो आज आज का साउंड ट्रैक जो है। जी रजा, तो ये फिल्म यस बॉस से है, 1997 की फिल्म। अजीज मिर्जा साहब इसके हिदायतकार थे, डायरेक्टर थे, और अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में है ये गीत। और इसे तरन्नुम में बांधा है, संगीतकार जो हैं वो हैं जतिन ललित, और पर्दे पर थे शाहरुख खान, एज वी ऑल नो, और जूही चावला। बिल्कुल, ये शाहरुख के पीक का जमाना था जब वो, और जावेद अख्तर के बोल, जावेद अख्तर के बोल। बिल्कुल, शायरी तो बड़ी अहम इसमें है और शायरी खूबसूरत भी बहुत है। और नाजरीन आपको ये भी बताते चलें कि ये जो फिल्म थी, बहुत से लोग देखने वाले जो हैं गालिबन वो तो 90s में पैदा हुए हैं, शायद उन्होंने बाद में देखी होगी। हमने तो हमारे जमाना था अल्हड़ जवानी का, टीन्स, राइट? तो टीन्स यंग एडल्टहुड में आए हुए थे, तो इसलिए गुरमेहर मेरे ख्याल से बगैर हम वक्त जाया किए आपका रेंडिशन सुनते हैं और ये साउंड ट्रैक पे सुनकर फिर कुछ बातचीत करते हैं। तो सुनिए जनाब। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये जमी, मैंने सोचा न था दिल की डाली पे कलियां सी खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी, एक दिन इस तरह होश खो जाएंगे, पास आए तो मदहोश हो जाएंगे, मैंने सोचा न था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे सुना। आप लोगों की जो हौसला अफजाई है, जो मुसलसल प्यार मोहब्बत खुलूस का आप मुजाहरा करते हैं, मेरे लिए अब यकीन जानिए बहुत अहमियत रखता है, बहुत अहमियत रखता है। इट साउंड्स लाइक अ क्लीशे, लेकिन कहने की बात नहीं है, मैं दिल से कह रही हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे सुनते हैं। मैंने कोई गायकी में तालीम हासिल नहीं की है, कोई उस्ताद या उस्तानी नहीं है मेरी, तो मैंने कोई रियाज नहीं किया है, लेकिन मैं दिल से गाने की कोशिश करती हूँ। आप जो हौसला देते हैं उसकी वजह से आप लोग मुझ पे हंसते नहीं, मेरी खिल्ली नहीं उड़ाते, मेरे जज्बे की कद्र करते हैं, तो मुझे हौसला मिलता है और मैं गा पाती हूँ। मुझे गाना अच्छा लगता है, जब खुश होती हूँ तब गाती हूँ, जब दुखी होती हूँ, गमगीन होती हूँ, गमगीन कैफियत होती है मेरी, तब भी गाती हूँ, गाने से राहत मिलती है। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे सुना, और आप भी गाते रहिएगा, सभी गुनगुनाते हैं, कभी ना कभी आप भी गाते रहिएगा, डेयर टू ड्रीम, डेयर टू ट्रस्ट, एंड ऑन अ हैप्पी डे इवन डेयर टू सिंग। बेहतरीन, आपने तो उसमें जान दोबारा से भर दी। वैसे आपने पहले भी ये सुना चुकी हैं, लेकिन इस बार आपने बड़े दिल से जो है ना गाया इसको, गुरमेहर डूब कर जिसे कहते हैं शायरी में, बहुत शुक्रिया, और लिरिक्स में। और ऑब्वियसली आई नो कि आप इसके ऊपर बात करना चाहती हैं, ट्रस्ट के ऊपर या एतमाद या विश्वास, लेकिन ज्यादा मुझे ये लग रहा है कि ये तो ज्यादा इश्किया आपका जो साइड है ना, नहीं ना? जी, आपकी जिंदगी का ये साउंड ट्रैक कैसे बन गया भाई? जी, जैसा कि मैंने इस वीडियो क्लिप में कहा है कि मेरा एक जिंदगी का मंत्रा मोटो सा बन के रह गया है कि डेयर टू ड्रीम, डेयर टू ट्रस्ट, एंड ऑन अ हैप्पी डे इवन डेयर टू सिंग। तो ये एक तरह से मंत्रा है मेरा, और जाहिर है यकीन, एतमाद, इंसानियत पे यकीन इसका मरकजी पहलू है, ट्रस्ट इज फंडामेंटल टू दैट। तो ये गीत तो रोमानवी गीत है जाहिर है, और ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि हमने इस पे एक बार पहले भी बात की थी, लेकिन मुझे लगता है कई नए लोग अब जुड़े हैं हमारे साथ, तो मैं मुख्तसर तौर पे दोहरा देती हूँ कि ये गीत जैसा कि जाहिर है एक तरह का शुक्राना है कि वो चीज़, वो इंसान जिसके लिए आपने लंबा इंतजार किया, जिसको आप अरसे से चाहते थे, लेकिन हालात कुछ ऐसे नहीं थे कि आपकी मुलाकात हो सके, या मुलाकात हो भी गई तो वक्त आपको नहीं मिला साथ गुजारने को, लेकिन फिर जब वो हालात ऐसे बन पड़ते हैं, बकौल शाहरुख खान, जब पूरी कायनात साजिश करती है आपको मिलाने के लिए, व्हेन द एंटायर यूनिवर्स कंस्पायर्स टू गेट यू टुगेदर,
वो जो सुरूर है, यू नो दैट फीलिंग ऑफ इलेशन, आई थिंक इट स्पीक्स टू दैट फीलिंग ऑफ इलेशन, इश्क का, जो खुमार कह लीजिए, सुरूर कह लीजिए, जो भी है. तो एक तरह का शुक्राना भी मैं इस गीत को मानती हूँ कि एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा ना था. तो वो यकीन भी नहीं होता अपनी खुशकिस्मती पर. खुशकिस्मती पे। और देखिए ना, फिल्म पे जो का जो कॉन्टेक्स्ट था वो भी बड़ा अहम था। मुझे अब इसकी एग्जैक्ट कहानी तो भूल गई है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि शाहरुख खान और जूही दोनों जो हैं दे प्रेफर लव ओवर मनी। तो एक जो है वो एंड में छोड़ छाड़ कर अपने जो उनके प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो सेटल करते हैं कि भाई उनके लिए मोहब्बत जो है वो ज्यादा जरूरी है। अब ये सारी बात है, फिल्मों में तो ये बहुत होता है गुरमेहर, रियल जिंदगी में कितना होता है? हम कोशिश ये जी, अहम सवाल है रजा, क्योंकि मुझसे कई लोग कहते हैं, मेरे मेरी जो मौसियां बुआएं यानी खालाएं फूफियां हैं, वो तो कह कह के थक गई कि हिंदी फिल्मों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, दे गिवन यू अनरियलिस्टिक नोशंस अबाउट रोमांस एंड मेन, और ऐसा होता, ऐसा थोड़ी होता है. तो वो यही बात है ना, मसला ये है कि ये बॉलीवुड की जो हम जनरेशन है ना इमर्स, खैर हमसे पहले वाली भी जनरेशन इमर्स थी, दिलीप कुमार और मधुबाला और ये सारे नरगिस वगैरह, और ये हमारी ये शाहरुख खान वगैरह की हम साथ बड़े हुए, तो ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारी जिंदगी का नजरिया जो है वो बॉलीवुड उसको फ्रेमवर्क दे देता है कि मोहब्बत क्या है, कंपेनियनशिप क्या है, सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस क्या है, खुशी का मयार क्या है, हुस्न क्या है, हुस्न का इत्तफाक क्या है। तो ये सारी चीजें जो है ये बॉलीवुड एक तरह से, या मैं समझता हूँ कि बड़ी हद तक पाकिस्तानी फिल्मों का भी म्यूजिक बड़ा अच्छा होता था अंटिल द 70s 80s, तो बड़े जबरदस्त गाने थे। उसके बाद से उसमें फर्क आया, अब हम ज्यादा कोक स्टूडियो और इस तरह की चीजों में हैं, मगर बॉलीवुड का भी बड़ा जोर है और बड़ा वो है। एक दिन हमें गुरमेहर राहत फतेह अली खान पे भी बात करनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल जो उनका बॉलीवुड में कंट्रीब्यूशन भी है, बल्कि मैं समझता हूँ बॉलीवुड क्या उनका म्यूजिक में, फिल्म म्यूजिक को जितना उन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया है वो, और फिर निकाले भी गए हैं, बिल्कुल गायब हो गए हैं वो फिल्मों से, वो जो टैक्स का केस हुआ था, जी तो जी हम उस पर बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल. और गजलें रजा, गजलें भी ना, आपने कहा हिंदी फिल्मी गीत तो है ही, जो हमारे इश्क का क्या तसव्वुर है उसको, उसकी बुनियाद बन जाते हैं, लेकिन गजलें, वो जो दिल टूटने पे जो गजलें सुनते हैं हम, और जो दिल टूटने पे मोहम्मद रफी के गाने तो याद आते ही, लेकिन गजलें भी याद आती हैं. बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल गजलें याद आती हैं, और गजल तो है ही ऐसी एक खास सिंफ है या जॉनरा है कि जो कि इतने ज्यादा इमोशंस को समराइज कर देती है, ना सिर्फ इमोशंस को बल्कि जो यूनिवर्सल सवालात होते हैं, आफाकी सवाल जो होते हैं, जी हमारा क्या रिश्ता है इंसानों के साथ, कायनात के साथ, आपस में क्या है, हमारे अंदर हमारा अपने आप से क्या रिश्ता है, उसके ऊपर भी गजल डेल्व्स डीप इनटू हमारी जो साइकी और हमारी जो इनर वर्ल्ड है, पूरी यूनिवर्स है, बेशक तो वो बेशक. लेकर और आती है। रजा जी जी बिल्कुल, और आपने बात की हमारी नस्ल की, कि किस तरह से हम हिंदी फिल्मों की गिरफ्त में, तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हिंदी फिल्में जो है उनके क्या असरात मुरतब हुए हम पे, लेकिन आज की जो नस्ल है, एंड मुझे लगता है कि आप और मैं जो है, यू नो वी आर सॉर्ट ऑफ द लिमिनल जेनरेशन, हमें कुछ बातें पिछली पीढ़ी की हैं, नस्ल की, और कुछ बातें आज के दौर की भी हैं. मैं आई लव टू से दैट आई एम ओल्ड इनफ टू नो बेटर बट यंग इनफ टू डू इट एनी वे. क्या बात है। हाँ, ये तो तो पता है, इतना इतना इतनी समझ होनी चाहिए कि ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, लेकिन इतनी भी अभी इतने भी अभी हम बुजुर्ग नहीं हुए हैं कि ना करें. सो ओल्ड इनफ टू नो बेटर बट यंग इनफ टू डू इट एनी वे. तो आज की जो नस्ल है उनकी सोच मेरे ख्याल से ऐ दिल है मुश्किल में, हमने इस पर भी बात की थी, लेकिन दोहरा देते हैं नए नाजरीन के लिए जो जुड़े हैं, कि अनुष्का शर्मा का जो किरदार था उसमें, लखनऊ की बंदी है, तो बिल्कुल ठेठ लच्छेदार जबान है, और शी इज फाइस्टी, शी इज फियर्स, शी इज कॉम्बैटिव, मेनी वेरी वेरी मच लाइक टूडेज गर्ल्स, मेनी ऑफ यू नो टूडेज गर्ल्स. और तो जब वो वेन शी इज इन अ कॉम्बैटिव फियर्स मूड, तो वो भिगो भिगो के लगाती भी हैं और खरी खरी सुना भी देती हैं, लेकिन अपने वही बेतकल्लुफ रोजमर्रा की जबान, जो आज की जबान है, उस बेतकल्लुफ अंदाज में कभी कभी बड़ी हसास और गहरी बातें भी कह जाती हैं. और वो मशहूर उनका डायलॉग है, जो मेरा पसंदीदा डायलॉग है, कि यार ऐसा है, बॉयफ्रेंड तो दो तरह के होते हैं, कुछ टाइम पास लेकिन ब्लॉकबस्टर कम ही मिलते हैं, ज्यादातर टाइम पास होते हैं, ब्लॉकबस्टर कम ही मिलते हैं. हाँ तो ये तो है, लेकिन गाना आपने ब्लॉकबस्टर चुना है बिकॉज मुझे याद है ये बहुत हिट फिल्म थी उस साल की, और इसके जो गाने थे वो भी बहुत हिट थे, और क्योंकि इसमें जो है ना कि एक आपने कहा किस्मत की, सरप्राइज की, हमारे
हमारे यहाँ किस्मत पे आपको पता है बहुत ज्यादा यकीन या विश्वास होता है, जी किस्मत जी जो लिखा है और जो जी मिलना है वो मिलेगा, जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा। बाहर जी में लोग कहते हैं मैं स्ट्राइव करूंगा, मैं हासिल करूंगा, करूंगी, मैं भागूंगा इसके पीछे। हम कहते हैं नहीं, जो बस मिल जाएगा ऊपर से, जो लिखा है नसीब में। तो ये नसीब को बड़ी अच्छी तरह प्ले करता है और एक होप भी देता है सुनने वाले को, देखने वाले को, कि हर एक के नसीब में कुछ ना कुछ जो है वो मोहब्बत का एक दिन या एक वो डालियां जो हरी होनी है, वो कलियां जो इस दाने में खिलनी है, वो निगाहें जो मिलनी है, वो सबके नसीब में कहीं ना कहीं मौजूद है, किसी ना किसी दिन होगा। तो बस इसी आस, इसी तमन्ना पे मेरे ख्याल से उसको प्ले अप करता है और ये भी इस जी गाने की बड़ी खूबसूरती। खैर, जावेद अख्तर की क्या ही बात है। मैं समझता हूँ कि उनके लिरिक्स गुलजार साहब के अलावा तो उनके लिरिक्स में कोई इस वक्त मुकाबला नहीं कर सकता, जो जिस तरह से उन्होंने कितने अच्छे और गीत लिखे हैं और और शोले लिखी है और कुछ करते ना करते शोले लिख गए हैं वो, शोले लिख पर गए। अभी काम कर रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं, बिल्कुल लेकिन शोले मैं तो मानती हूँ कि हिंदी सिनेमा में शोले से पहले का दौर है और शोले से की बाद का दौर है। वाटर शेड बन गया था। जी जी तो बिल्कुल खैर, ये तो जबरदस्त आपने गाना सुना है, चुना है आज के लिए, और आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आया होगा। और अगले हफ्ते हम आपकी आपके लिए एक और गीत का इंतखाब करेंगे। जैसे गुरमेहर ने कहा कि उनकी जिंदगी में जो अहम चीजें हैं, लव और ट्रस्ट, मोहब्बत और एतमाद, वो इस गाने, ये गाना उसकी निशानदेही करता है। मगर हम ऐसे ही गाने चुनेंगे जो हमारी जिसने हमारी जिंदगी को एक एक नजरिया दिया या एक एक जीने का सलीका दिया। तो ये जी बड़ी अहम बात है कि किस तरह से म्यूजिक जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे खत्ते में, और कोई भी म्यूजिक हो, फिल्म का हो, फोक हो, गजल जी हो। जी हमारे खित्ते में तो है ही यकीन एतमाद पे बहुत इसरार किया जाता है, लेकिन अगर हम मगरब में भी देखें, उनकी मेन स्ट्रीम में देखें, एक ऐसी फिल्म जो कि है तो मगरबी है तो हॉलीवुड की फिल्म देखा जाए, लेकिन उसका जो असर था वो हमारे सकाफती मंजरनामे पे भी हुआ, हमारे कल्चरल लैंडस्केप पे भी बहुत हुआ, क्योंकि इतनी मेन स्ट्रीम वो फिल्म है टाइटैनिक, और जिसमें मेन स्ट्रीम फिल्म है और उसमें वो जो गाना है ऑब्वियसली माय हार्ट विल गो ऑन, और जिसमें यू नो द बिट वेयर शी सेज यू आर हियर देयर्स नथिंग आई फियर, यू आर हियर देयर्स नथिंग आई फियर, मतलब तुम आ गए हो अब मुझे कोई डर नहीं है। ये यहाँ पे बंदी बंदे से कह रही, लेकिन बंदा भी बंदी से कह सकता है कि भाई तुम आ गई हो अब सब ठीक हो जाएगा, यू नो यू आर हियर देयर्स नथिंग आई फियर, तो ये तो एक बड़ा ऐसा जज्बा है। इस तरह तो बहुत सारे गाने, अगर आपको विटनी ह्यूस्टन का याद है, क्या है वो आई कीप ऑन लविंग यू, या और आई विल ऑलवेज लव यू, आई विल ऑलवेज लव यू, बॉडीगार्ड का, जी जी बॉडी, सलमान बॉडीगार्ड वाली बॉडीगार्ड नहीं केविन कॉस्टनर वाली बॉडीगार्ड असली वाली बॉडीगार्ड। तो मेरे जी ख्याल से इसी नोट के ऊपर इजाजत लेंगे अपने व्यूअर्स से। थैंक यू गुरमेहर फॉर ज्वाइनिंग, और इस संडे का स्पेशल किया है। होपफुली नेक्स्ट संडे को हम एक और गीत का इंतखाब करेंगे, और व्यूअर्स अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप जरूर बताइए, गुरमेहर उसकी तैयारी करेंगी जरा, बिल्कुल लिंक कमेंट सेक्शन में जाकर दीजिए और खुलकर बोलिए, अपनी राय दीजिए, बस अब्यूज ना कीजिए, बाकी सब ठीक है। इसी के साथ इजाजत और खुदा हाफिज।